नमस्ते दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वापस से आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना बिहार बिजनेस पे। दोस्तों आज की इस वीडियो पे आज मैं आप सभी को लेकर पहुंचा हूं वापस से तौसीफ गोट फार्म हाउस में। और दोस्तों आप सभी का बार बार कमेंट आ रहा है कि शिवम भाई आप तौसीफ गोट फार्म हाउस से आप वीडियो कब लेके आ रहे हैं भाई। तो फाइनली दोस्तों आज हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम आप सभी को कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो कि अगर बकरी फार्म बिजनेस की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं और इस बिजनेस में आप नए हैं तो कुछ जानकारी आप सभी को जानने की मिलेंगी। बाकी उसके साथ साथ अगर दोस्तों आपको बच्चा चाहिए, जो भी बच्चा आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा। अच्छा, नस्ल की बात करें तो आप सभी को यहाँ पे अनेकों नस्ल की आपको यहाँ पे बकरी मिल जाएंगी, क्योंकि आप हमारे पीछे देख रहे हो बोर्ड पे आप सभी को यहाँ पे बीडल सरोही ये सब नस्ल की जितनी भी होती है ना बकरी आप सभी को मिल जाएंगी। पूरा डिटेल में हम बात करेंगे कि आप सभी यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। और आप लोगों का बार बार कमेंट आता रहता है कि भाई तौसीफ गोट फार्म हाउस फिलहाल गोपालगंज जिले में कहाँ स्थित है, पूरा डिटेल में हम आप सभी को जानकारी बताएंगे। आज हमारे साथ वापस रहेंगे तौसीफ भाई जो कि यहाँ के करता धरता प्राउड ऑनर है भाई। उनसे हम लोग एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से बात करेंगे कि आप सभी यहाँ पे कैसे विजिट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे कौन कौन सी नस्ल की बकरियाँ मिल जाएंगी। पूरा डिटेल जानने के लिए अभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बिहार बिजनेस को जो लोग पहली बार है तो भाई सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि हम आप सभी को हर बार कुछ नए रोजगार के बारे में बताते रहते हैं कि जिस रोजगार को करके आप सभी दो पैसा कमा सके। बाकी आज हमारे साथ तौसीफ भाई रहेंगे। तौसीफ भाई बहुत बहुत स्वागत है भाई। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तौसीफ भाई काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है भाई। एक्चुअली लोगों का भर भर के बहुत ज्यादा ये सवाल आ रहा है ना कि फिलहाल गोपालगंज जिले में जो तौसीफ गोट फार्म हाउस है फिलहाल गोपालगंज जिले में स्थित कहाँ पे भाई। बहुत लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि भाई हम उस फार्म हाउस पे कैसे विजिट करें। सबसे पहले एड्रेस थोड़ा सा बता दिया जाए। जी, एड्रेस सिंपल रहेगा। आप गोपालगंज में आते हैं, कहीं से भी आते हैं, गोपालगंज एरिया में आते हैं, बस स्टैंड पे उतरते हैं, स्टेशन पे उतरते हैं, वहाँ पे किसी से भी ऑटो वाले से बोलिएगा तुलकाहा पुल पे हमको जाना है। तुलकाहा पुल जी, यहाँ से बस नजदीक में तुलकाहा पुल पे आकर वो कॉल करेगा, जो भी बंदा आएगा कॉल करेगा, हम लोग उसको जाके रिसीव। अच्छा भाई, अभी क्या क्या चीजें आप ये कितने नस्ल के अभी आप बकरी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, कौन कौन सी? तो हमारे यहाँ 12 ब्रीड 12 नस्ल के बकरियाँ प्रोवाइड हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन अभी फिलहाल में अभी उतना नहीं है। जिसको भी चाहिए एडवांस पेमेंट करेगा, मतलब ऑर्डर कंफर्म हो जाए उसके बाद उसको ऑर्डर, मतलब ऑर्डर पहले भाई देना पड़ेगा लोगों को, उसके बाद से आप जितना मतलब उनको चाहिए क्वांटिटी में जितना भी बकरी चाहिए मिल जाएगा। 100-150-200 पीस जितना भी चाहिए मिल जाएगा, 10-20 भी चाहिए मिल जाएगा, 1-2 पीस भी चाहिए तो मिल जाएगा भाई। कहीं ना कहीं लोगों का ये सवाल आता है ना कि हम इस बिजनेस में नए हैं भाई और करना चाहते हैं, सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई वाकई में ये बिजनेस होता कैसे है। थोड़ा सा हम लोग फॉर्म के अंदर भी लेके चलेंगे, फॉर्म हाउस के अंदर थोड़ा सा भाई बोलना चाहेंगे कि एक बार आप अंदर की तरफ चले। और एक चीज तौसीफ भाई ये लोग जानना चाहते हैं ना कि हम इस बिजनेस को करना चाहते हैं भाई और मुझे नॉलेज नहीं है, हम इस बिजनेस में फर्स्ट बार हैं, तो हम इस बिजनेस में फर्स्ट बार अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं ना तो भाई कैसे हम बिजनेस की सबसे पहले शुरुआत करेंगे, ये चीज कहीं ना कहीं लोगों का सवाल आ जाता है भाई। थोड़ा सा इधर लाए और ये चीजें दिखाएं। देखिए अभी हम आप सभी को लेकर पहुंच चुके हैं इस फॉर्म हाउस में और यहाँ पे आप सभी को देख रहे होंगे कुछ बकरी अभी ऑलरेडी इनके फार्म हाउस में है, बाकी कुछ बकरी अभी फार्म हाउस थोड़ा सा खाली है, बहुत ही कम बकरी है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे एक एक करके कि यहाँ पे जितने भी नस्ल के अभी बकरी इनके फार्म हाउस में मौजूद है सब दिखाएंगे। भैया थोड़ा सा एक बार इधर कैमरा को मूव कीजिए और दिखाइए, देख लीजिए आपको यहाँ पे बहुत सारी नस्लों की अभी बकरी दिख रही होंगी। तौसीफ भाई थोड़ा सा डिटेल बताएं सबसे पहले कि ये सब चीजें आप खुद से भाई कैसे ये सब बनवाए, ये सब चीजें बनवाना पड़ेगा क्या जो लोग नए होंगे बिजनेस में? जी, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करो, स्टार्टिंग में अगर कोई भी ऐसा बनवाता है तो पूंजी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। अच्छा, जो भी मतलब करना चाहते हो कम पूंजी में करना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब नीचे ही रख सकते हैं, नीचे मतलब सिंपल इस तरह रहेगा, एक जैसे एक एरिया रखें बकरी को रखने के लिए, हाँ, खिलाने पिलाने के लिए, हाँ, और एक एरिया रखें मतलब दिन को घुमाने के लिए बाहर, जैसे दिन मतलब इन लोगों को कहीं ना कहीं घुमाने की भी जरूरत पड़ती है। जी जी, नाइट बॉडी पे जितना अच्छा लगा उतना ही अच्छा मतलब शाइनिंग आया बॉडी पे, ग्रोथ होगा इस टाइप में। एक बार थोड़ा सा अंदर लाए भाई, थोड़ा सा इसको ओपन कीजिए, थोड़ा सा अंदर भी चलते हैं, हम आप सभी को अंदर से भी दिखाते हैं पूरी चीजें और नस्ल की पहचान भी कराएंगे आप सभी को। तो वीडियो के साथ आप सभी को धैर्य बना के रखना होगा और देख लीजिए यहाँ पे ये सब नस्ल की आपको भाई कौन कौन सी नस्ल के भी ये बकरी है, ये सब बच्चे तो नहीं ना है, सब बड़ी है? सब हाँ, बड़ी है, जैसे फर्स्ट टाइम कोई बच्चा दिए सेकंड टाइम मिस्टेक में, जैसे अभी तो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, हाँ, अभी जितने भी है 2-4 ब्रीड के, बस 2-4 ब्रीड की है। थोड़ा सा बताए थोड़ा सा कौन कौन सा ब्रीड के है, एक बार थोड़ा सा इधर लाए भाई, इधर एक बार कैमरा को लाए और दिखाएं ये चीजें दिखाएं। ये देखिए ये कितने केजी के बकरी है भाई? ये कम से कम 50 केजी अप्रोक्स आएगी। 50 केजी जी। अच्छा आप कितने छोटा बच्चा तो आप लाए होंगे? नहीं नहीं, बड़ा से जैसे फीमेल में ये पार्टी थी, 5-6 महीने की थी तब लाए थे हम लोग। फीमेल में भाई थोड़ा सा इधर आ जाए सामने से आए और दिखाएं इस चीज को। बीटल ब्रीड का है, प्योर ब्रीड में, ये व्हाइट आइज में है। अच्छा जी,
मतलब इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं भाई कि बीटल है? बीटल का पहचान जैसे इन लोग बीटल में दो चार कलर होता है, ब्लैक आता है, ब्राउन आता है और व्हाइट और एंड ब्लैक में, मतलब दो रंग में आता है। तो मतलब कलर के कहीं ना कहीं हिसाब, कलर के हिसाब से। और इनका सबसे जरूरत ये आँख, व्हाइट आइज में आती है, व्हाइट आइज में यही मतलब पहचान आता है। अच्छा उसी भाई, लोगों का सवाल ये जाता है ना कि भाई हम इस फॉर्म को कैसे शुरू करें, और जो लोग इस फॉर्म को शुरू करना चाहते हैं ना वो लोग प्रॉफिट के बारे में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों का ख्याल आ जाता है। कोई भी बिजनेस हो सबसे पहले भाई पैसा लोगों का माने हो जाता है कि भाई हम इस बिजनेस में पैसा कमा कितना सकते हैं। तो बाकी थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जैसे कोई भी मतलब एक बकरी पालन स्टार्ट करता है तो क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट करना है, मतलब चाहता है आज स्टार्ट किए फॉर्म तो कल से प्रॉफिट आने लगा, मतलब एक एटीएम मशीन की तरह लोग समझ लेते हैं भाई, जैसे कार्ड लगाया पैसा छपना शुरू। हाँ, तो उस टाइप में नहीं होता है। जैसे आपको क्या है, इसमें अगर 5 बकरी लेते तो उसमें वेट करना पड़ेगा, 6 महीने 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, क्या होगा आप फार्म स्टार्ट करते आपको धीरे धीरे लोग जानेंगे कि यहाँ पे बकरियां मिलती हैं, यहाँ पे फार्म है, तो बाकी लोग जो भी मतलब आपके ग्राहक हो आपको जानेंगे, लोग पहचाने तो आपसे लेंगे लो। और रही बात इन लोगों में क्या है, अगर आप 5 बकरी लेके जाते हैं गाभिन बकरी मेरे यहाँ से अपने यहाँ रखते हैं, तो क्या होता है 5 बकरी में आपको कोई एक बकरी बच्चा दी, कोई दो दी, तो मान के चलिए यही आपको 7-8 बच्चा हुआ सब। हाँ। बच्चा सबको रेडी होने में 3 महीने लगेगा। अच्छा, 3 महीने में आप अगर बेचते तब जाकर आपको उस टाइप का प्रॉफिट होगा। तो मतलब कुछ दिनों का टाइम होता है जिसको आपको इंतजार करना होगा भाई, तभी आप पैसा कहीं ना कहीं बात रहे तो आप सभी जनरेट कर पाएंगे। लेकिन एक बार एक चीज आप सभी देखिए कि कितने अच्छे तरीके से तौसीफ गोल्ड फार्म हाउस में जो होता है ना भाई, बकरी को रखा जाता है, रख रखाव भी कहीं ना कहीं मैटर पड़ जाता है, क्योंकि इनको स्वास्थ्य में स्वस्थ रखने के लिए कहीं कहीं रख रखाव की भी अच्छे से देखभाल करना पड़ता है। खिलाने की अगर बात आ जाती है तो यहाँ पर दिखाइए आप लोग बोलते हैं कि क्या चीजें खिलाए कि जल्दी से ग्रोथ बढ़ जाए, तो देख लीजिए क्या चीजें तौसी भाई खिला रहे हैं। क्या है तौसी भाई? ये भूसा है और चोकर है और पानी थोड़ा सा, बस ये तीन चीजें मिक्स करके फिर साइड से चारा भी मंगवाया जाता है राजस्थान से, जो होता है जयपुर से हरी पत्ती आता है वो मंगवाया जाता है, फिर वो अगले वीडियो में देखे मिनरल मिक्स जो वो भी दिया जाता है, ज्यादा ग्रोथ होता है उस टाइप का, जो भी मेडिसिन है वो टाइमली दिया भाई। लोगों का एक और सवाल रहता है क्या टीका वगैरह भी इन सब का कुछ लगता है क्या? जी, कब टीका लगता है लोगों का? जैसे साल में आपको 3 बार टीका लगता है, FMD और एक ET वाला होता है इस टाइप में, जैसे 2-3 टीका और हुआ, लेकिन हम लोग क्या होता है हेमोपैथी वाला यूज करते हैं। हेमोपैथी वाला यूज करते हैं टीका में, जैसे 3 बेस्ट कौन सा रहेगा भाई? बेस्ट तो मेरे ख्याल से हेमोपैथी हम लोग यूज करते हैं, वही बेस्ट रहेगा क्योंकि इंजेक्शन नहीं देना पड़ता है, ड्रॉप पिला देते तो बस हो जाता है। तो देखिए हम लोग वही यूज कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे बकरी फार्म हाउस को चलाया जा रहा है। बकरियां आपको कम दिख रही होंगी भाई, लेकिन फार्म हाउस आपको बड़ा दिख रहा होगा, फार्म हाउस बड़ा दिख रहा होगा, तो इससे आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बकरियां रखती हैं। जी, अभी ठंड के वजह से बकरी नहीं, अभी बकरी मंगा सकते हैं, लेकिन क्या है बाहर से। अच्छा, खस्सी वगैरह नहीं रखते हैं भाई? नहीं, खस्सी भी है सब, अभी 2-4 पे सबको सैंपल में देखने के लिए खस्सी है, अगर आपको चाहिए तो अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, बच्चा लोगों का कहीं ना कहीं भाई सवाल आता है कि बच्चा कहाँ से खरीदारी करने चाहे, और तौसी भाई से क्या हमें बच्चा मिल जाएगा? जितना बच्चा मिल सकता है, लेकिन क्या है ना उसका जो क्राइटेरिया बताएं उसको फॉलो करना पड़ेगा भाई, आपको कहीं ना कहीं एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तब एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप 1-2 पीस बच्चा लेने के लिए आते तो भाई मिलेगा की नहीं? मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा हाँ। जैसे आप कब इन लोगों का रोल भी होता है, अगर अपने अभी ठंड का मौसम आने वाला है, अभी आप कोई बच्चा ले लेते तो आप रख रखाव में नहीं रख पाइएगा उसको, क्या होगा लेके जाइए तो सर्दी जुकाम ये होगा, तो फिर बच्चा कमजोर होगा, तो फिर बोलिएगा ये सब जो भी मतलब बोलते हैं लोग, बहुत तो सुने हैं बाहर का भीड़ जो भी होता है सो यहाँ पे टिकता नहीं, सो इस टाइप में बोलते हैं लोग। अच्छा, ये सब हम राय देंगे जब इन लोगों का सीजन जैसे फरवरी लास्ट तक आ गया, गर्मी में लेते हैं आप टेम्परेचर मेंटेन रहता है तब लेते हैं तो सही रहेगा। तो मतलब ये टाइमिंग का कहीं ना कहीं ख्याल रखना पड़ता है, और उसी कारण बस यहाँ पे भी अभी कम बकरियां हैं, थोड़ा सा भाई इधर लाए और एक बार दिखा दीजिए, और देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे बकरी पालन किया जा रहा है, और भाई एक अच्छा रोजगार है आप सभी के लिए, जो बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं और रोजगार की तलाश में है तो बकरी पालन की भी आप शुरुआत कर सकते हैं, अपने घर पे ही रह के आप इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं, और काफी अच्छा खासा इसमें भी प्रॉफिट है कहीं ना कहीं बात कर ले। एक बार दिखाए प्रिंस भाई की किस तरह से यहाँ पे जो भी बकरियां हैं किस तरह से वो जो यहाँ पे चारा डाला गया है उस चीज को खा रही हैं, चारा में क्या चीजें डाला गया है पूरा डिटेल में हमने आप सभी को बताया। आज जितनी क्वांटिटी में आपको बकरी चाहिए, जितनी बड़ी बकरी चाहिए, छोटी बकरी चाहिए, बड़ी बकरी चाहिए, वो भी आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे तौसीफ गोल्ड फार्म हाउस से। बाकी आप हमारे पीछे भी देख रहे होंगे, आप सभी को पूरा यहाँ पे जो इनके रख रखाव का जो व्यवस्था बना के रखा गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा भी बकरी इस टाइम कम है, लेकिन 1-2 माह में
पूरा आपको स्टॉक पूरा भरा देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज हमारे साथ मौजूद थे वापस से तौसीफ भाई। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया हमारे भाइयों को। और बाकी आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी अगर आपको बकरी खांसी कुछ भी खरीदारी करना हो, नंबर दे दिया भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा, आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग याद रखिएगा भाई, रात्रि कॉल मत कीजिएगा, आप सभी मॉर्निंग में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। बाकी इतना चीजें आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। जो लोग इस चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैं आप जिनको भी मतलब बकरी फार्म करना है तो पूछने लगते हैं लोग फोन पे, मतलब किस टाइप में होगा, तो उस जिसको भी मतलब उस तरह मतलब समझ में नहीं आएगा, जब तक आके देखेगा नहीं, जैसे फार्म पे विजिट करेगा हम लोग, उसको अच्छे से समझाया जाएगा इस तरह होता है, तब उसके मतलब उस बंदे को समझ में आएगा। तो ये सब करेंगे जो भी फार्म करेंगे तो जाके मतलब अच्छा आगे के लिए अच्छा कुछ करेंगे, मतलब इस टाइप होता है। जी जी, ये सब चीजें को आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी जो लोग इस चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आप सभी को ऐसे वीडियो आगे भी दिखाते रहे। और एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।